This show is presented by Jayashree College. करे अपने सपनों को साकार। छोटे छोटे गांवों पे हमारा उत्तराखंड बसता है। अभी मैं मौजूद हूँ सुंदरखाल पे। नमस्कार, मेरा नाम दीपान शुक्वर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पगडंडी। छोटे छोटे गांवों पर हम जा रहे हैं, कोशिश है कि हर गांव पे निकलें और ये गांव यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। चुनावों के बाद भी कई सारे मुद्दे होते हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत होती है। इन दिनों हमें कई सारे टेक्स्ट आए कि आप चुनाव के बाद क्या करेंगे। चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, चुनाव खत्म बेशक हो चुके हैं लेकिन लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। ऐसे 5 या 6 चुनाव निकल चुके हैं जहाँ पर लोगों का समाधान नहीं हुआ है। उत्तराखंड को बने 22 साल हो चुके हैं। अभी मैं सुंदरखाल पे मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ के ग्रामीण जन मौजूद हैं। भाई साहब, नाम क्या आपका? मेरा नाम है नंदू। मनु? नंदू। नंदू, तो आज हम आपके गांव आए हुए हैं क्योंकि हम जैसे गड़जिया मंदिर को कवर करने आए हुए थे तो हमें मालूम चला कि बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ हैं, तो तब आपके गाँव हैं तो आप बताएंगे हमें क्या दिक्कतें क्या परेशानियाँ हैं। आइए गाँव चलते हैं। तो मेरे साथ सुंदरखाल के ग्रामीण जन मौजूद हैं, चंद्रशेखर मौजूद हैं और वो आज हमें दिखाएंगे अपना गांव, क्या हालत है, क्या परिस्थिति है। जैसा कि यहाँ की सड़क है, सड़क कहूँ तो गलियारा कहूँ तो क्यों भाई साहब? हाँ सर, ऐसे ही है यहाँ पे। खड़ंजा वड़ंजा नहीं आता इस पर? खड़ंजा रोड़ी ऐसा कोई नेता वेता आता नहीं? नेता आता है सर, अपना करके चल देते नेता भी। अपना करके चल देते, किसी एक नेता को कहेंगे तो पर्टिकुलर अच्छा नहीं लगता है। सब आते हैं अपने प्रमोशन के लिए कि हम आपके साथ हैं, पर ये है सर हमारा घर ही से, मतलब इसे टेम्प्रेरी। जब बाढ़ आई थी लास्ट सितंबर में, अक्टूबर में आई थी, तो वही उसी के बाद जब बाढ़ हो गया सर, बाढ़ से थोड़ा कुछ तो करना ही पड़ता सर, छुपाने था सर, सर्दी का टाइम आने वाला था, तो ये एक टेम्प्रेरी तौर पे करा हमने। जो हमारी टीम थे वो निकाल के अब ऐसी कर रखा है, काम चला लग, तब देखते हैं क्या कोई आने के बाद कि कोई सरकार ऐसी मदद करे कहीं, या हमारा वो करा दे परिवर्तन किसी जगह और दूसरी जगह हमें सेटल कर दे परमानेंट तौर पे। कम से कम कैसी दुर्दशा हो रही है हमारी, ऐसे देखो कैसे हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। क्या स्थिति है अभी, आप देख ही रहे हो क्या परेशानियाँ तो है। ये बिजली के तार ऐसे समझ नहीं आया सर, ये लाइट है नहीं तो वो बैटरी लगा रखी है सोलर पैनल। लाइट आई नहीं है, लाइट अभी तक नहीं आई सर, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। और 11,000 की वोल्टेज दिखा देंगे हम आपको, अभी आगे जाते ना लाइन लगी है, लाइन लगी है वो देखो आप, पोल लगे हैं, और सिर्फ पोल लगे हैं, कहने नाम के पोल लगे हैं, उसमें तार नहीं है। ये पोल देखो आपको इस घर के सामने यहाँ पे, पर लाइट तो सर जमीन का मुद्दा तो नहीं है कुछ ऐसा, जमीन की नहीं देंगे ऐसा है? या आप लोगों की पैतृक जमीन है? क्या है इसका सर? ये अब इतना पुराना तो ये चाचा बता पाएंगे, क्योंकि मैं कब से है ये गांव सुंदरखाल, कब से है? 1972 से। 1972 से गांव बसा है? हाँ जी, हमारे जन्म यहीं का है। अच्छा, लगा लो अब हमें भी इतने साल हो गए यहाँ, और हमारे पिताजी लोग चले गए, साथ के भाई लोग चले गए, ये हमारे बड़े भाई साहब आ रहे हैं, और हमारे ये देख लो तुम कैसे सीलन में जीवन व्यापन यापन कर रहे हैं। अच्छा, सुंदरकाल को भाई साहब जानते होंगे? नमस्कार भाई साहब। अच्छा, आप नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विशाल है। विशाल जी, थोड़ा बताइए सुंदरकाल के बारे में। हम आए थे गर्जिया घूमने, तो वहाँ पर हमें भाई साहब मिले, उनने कहा कि एक बार हमारे गाँव हुआ ना, तो हम तब यहाँ आए। क्या दिक्कत परेशानियाँ हैं, कब से गाँव बसा हुआ है, किस तरह का है पूरा देख के तो बिल्कुल जर्जर हालत लग रही है। पुराना गाँव है ये, तो 1974 का बसा हुआ गाँव है। अच्छा, ये बीच में बाढ़ पीड़ित से लोग परेशान हैं, इसलिए ये हालत हो रही है हमारी। क्या मुद्दे, मतलब क्यों नहीं मिल पा रहा है यहाँ को, क्या कारण है, क्या कमी है? सरकार की तरफ से कमी है, आपकी तरफ से कमी है, क्या सरकार की तरफ से कमी है, हमारी तरफ से क्या कमी है? अच्छा, सरकार देना चाहे तो 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है, ना लाइट ना पानी ना बिजली ना कुछ नहीं, कुछ सुविधा में सब सरकार आज तक आई नहीं है। आज तक नहीं आई तो कैसे काम चलाते हैं? कैसे काम चलता है ऐसे, बस मोमबत्ती जला रखी, देखा नहीं आधी मोमबत्ती जली पड़ी हुई सामने रखी हुई ऐसे, देखो तो टेबल पर ऐसे मोमबत्ती में सार रह रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे ही जीवन चल रहा है। ये पैनल ले रखे हैं। अच्छा, ऐसे अपने गुजारा चलाते हैं। ये रात के ही काम आ गया, 2-4 दिन बारिश हो गई तो ये भी उजाला नहीं करती है, ये बंद हो जाती है। अच्छा, चलो अभी इलेक्शंस थे तो वोटिंग वगैरह नेता वेता ऐसा कुछ आते नहीं आते इधर तरह? नहीं, नेता लोग आए, क्यों नहीं, वोट दिया आपने? हाँ, वोट भी दिया, वोट भी दिया, वोट भी दिया, लेकिन काम नहीं हुआ। काम नहीं, तो कैसे, मतलब कैसे चलेगा, मतलब क्या सोचा है कि खुद के लिए? देखो, खुद ही करना पड़ता है कुछ ना कुछ, खुद ही करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे? खुद कर ही रहे हैं, खुद ऐसे खुले में सो रहे हैं, देख लो आप ही।
रात भर ऐसे रह रहे हैं। ये कैसे आप क्या सोचा है कि आपने ऐसा हो जाएगा तो हमें अच्छा हो जाएगा, कोई हल है इसका जो सॉल्व हो सके? गवर्नमेंट तो कोई कुछ कर नहीं रही, खुद ही करना पड़ रहा है। देखो जब आप कहीं से कुछ करेंगे, लकड़ी पकड़ी लाएंगे, घास वास लाएंगे, इसके बनाएंगे, पटरे वटरे बना लगाएंगे, कुछ करेंगे, खुद ही अपना भी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो कुछ दे नहीं रही है। पक्के घर थे पहले? हमारे पक्के घर थे जो बह गए, पानी मचले, कोई मदद नहीं, कोई मदद, कोई एक रुपये की मदद नहीं। मदद आई थी एक बार 1200 का, 3500 रुपये का एक बार दिया, 1200 रुपये का एक चेक एक बार दिया। 1200-1200 में तो मकान नहीं, नहीं 3800 रुपये और 1200 रुपये, ना ना मकान क्या कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसी ही बस। जानवर सब छोड़ दिए, कहाँ पालें, सब घास रोखड़ हो गया, जंगल जाने नहीं दे रहे हैं। आदमखोर टाइगर हो रहा है आजकल, इसमें जंगल भी नहीं जा रहे हैं ना। तो बहुत बंदा हुआ, कॉर्बेट का इलाका है, बहुत बहुत भयंकर खतरा हो रहा है। एक टाइगर ने एक आदमी को मारा था यहाँ, अभी एक हफ्ता पहला हुआ, कम से कम 10-12 दिन तो हो गए होंगे, इतना टाइम हो गया। टाइगर भी रोज सामने आ जा रहा, रोज भाग के आ रहे हैं, 2-3 औरतें अभी, हाँ अभी जंगल से भाग के आ रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि क्यों भाग के आ रहा, तो बता रहे थे कि टाइगर आया हुआ है, तब भाग के आए वो लोग। जीवन यापन के लिए क्या करते हैं मेनली, मतलब क्या साधन है कि जिससे आगे को आप बढ़ पाए जीवन यापन करते हैं? सर जीवन यापन तो क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, मजदूरी दिहाड़ी मिल जाती है ढुकली में, वो इसीलिए कर रहे हैं मजदूरी दिहाड़ी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई है ही नहीं हमारा, तो आगे पीछे कोई, हम तो आज़ाद है ही नहीं। सीधी बात है कि देश आज़ाद हुआ हमारा, हम आज़ाद नहीं है, क्योंकि सरकारी कोई सुविधा नहीं है हमारे पास आज तक, क्योंकि 50 से 60 साल हो गए गाँव को बसे हुए, हमारे को ना लाइट पानी बिजली नहर कोई सुविधा नहीं मिली। जमीनी विवाद भी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई जमीनी विवाद भी है क्या सरकार जमीन का है? ये जमीनी विवाद ऐसा है ना, ये जो हम यहाँ जो बसे हुए हैं लोग, ये जो मालधन में जो ज़मीन मिली वितरण हुआ, अच्छा 74 में नहीं, 74 से पहले जो यहाँ जो मालधन में वितरण हुआ ज़मीन, उसका कुछ शेष हिस्सा बच गया था, जो 50,000 हेक्टेयर भूमि जो बची हुई थी, उसके लिए यहाँ पे हमारे सर्ल से गंगाराम जी जो थे उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा भाई हमारे हिस्से की जो आधी रोडी बची हुई है हमें दे दो। उसके तहत इन्होंने वहाँ पे यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन किया, पर्वतों से जितने भी स्लिपकार भाई लोग थे उन्होंने बुलाए भैया हमारा जो हिस्सा है हमें दो। तो यहाँ पर आगे सत्याग्रह आंदोलन किया, एक जगह उन्होंने निश्चित की कि हम यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर मीटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम आगे मुहिम चलाएंगे कि हमारा हिस्सा हमें दो। तो तब से मतलब ये अभी तक वही चला पड़ा है, सॉल्व नहीं हो पाया। हमारे को जो ज़मीन देनी थी वो ज़मीन अभी नहीं मिली, नहीं मिली, ना बिजली ना पानी ना सड़क। और वोट देते हैं आप लोग? वोट देते हैं, वोट देते हैं, हाँ। लोकसभा का है आपका ग्राम प्रधान, मनोनीत ग्राम प्रधान, मनोनीत, हाँ। अच्छा, वोट देने के लिए तो हम यहाँ भारत के नागरिक हुए, पर वैसे नहीं, और वोट भी विधायक की वोट हो गया, सांसद के लिए उसके लिए होता है, लोकतंत्र विधायक इसका है, और इसके लिए नहीं है ग्राम प्रधान के लिए भी, उसके लिए नहीं होता है, ग्राम पंचायत वोट नहीं होता है हमारा, नहीं होता है। चलो ये तो बहुत बड़ी समस्या है और एक नया मुद्दा है, ये नरकी जीवन जी रहे हैं हम यहाँ, तो शुरू से हमारे तो बुजुर्ग लोग भी यहाँ चल बसे हैं, वो यही पीड़ा सहते हुए निकल गए, हमारे हम भी बूढ़े हो गए अब, हम भी यही पीड़ा सह रहे हैं, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो इससे भी पता नहीं बदतर हो, क्योंकि इधर कोसी नदी है, कोसी नदी किनारे किनारे सारी हमारा आधी सारी ज़मीन बह गई, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, वहाँ से बच के हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बरसात में देखना है ऊपर यहाँ तक पानी आता है यहाँ पर भी। तो इस बार जब चुनाव हुए तो नेता वोट मांगने आए होंगे अलग अलग पार्टी के, तो बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला आप लोगों ने? बोलना है कि आपका भला करेंगे, आपका यह करेंगे, आपकी व्यवस्था करेंगे, लाइट देंगे, पानी देंगे, आपका विस्थापन करेंगे, लेकिन वोट देने के बाद कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई पूछने के लिए भी नहीं आता। वोट देने से पहले सभी बोलते हैं, हर साल ही हर बार ही बोलते हैं, इस बार भी बोला, इस बार भी देने तो ही, हमारा मत देने का अधिकार हमने दिया, जिसको मर्जी उसको दिया, लेकिन नेता लोग सारे आते हैं, सारे बोल के जाते हैं, लेकिन कत्ता कोई कुछ नहीं है। क्या करा, इतने साल हो गया, इतनी पीढ़ी गुजर गई, लगा लो कुछ नहीं हुआ, क्या होना वास्तविकता है। मुझे नहीं मालूम कि पूरा मुद्दा क्या है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि यहाँ कुछ लोग रहते हैं जिनका जीवन है, जिनके बच्चे हैं, जिनकी शिक्षा है, जिनका रोजगार है, और एक आदमी को जीवन यापन करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उन मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत होना बहुत आवश्यक है। दर्द दिल पे तब उठता है जब मैं देखता हूँ किसी घर पे मोमबत्ती, जहाँ पर बिजली नहीं होती, और इस मोमबत्ती के सहारे एक बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है। ये वास्तविक में ये वास्तविकता है और ये हमारा मुद्दा है।
क्योंकि वो समय बहुत पुराना था जब हम दिए के सहारे लैंप के सहारे पढ़ाई किया करते थे। अब समय आगे बढ़ चुका है। घर की हालात क्या हैं आप देख सकते हैं। एक गैस का चूल्हा है जिस पे खाना बन रहा है। किचन भी यहीं पर है, सोना भी यहीं पर है, मिट्टी भी जर्जर है। कब रात को बाढ़ आ जाए, कब ये इनके जो घर हैं वो बह जाएं, इसका कुछ पता नहीं है। अगर कोई परेशानी ज़मीनी मुद्दा था तो 1974 से जब हम यूपी पर शामिल थे तब से ये मुद्दा चले आ रहा है। ये 2022 है। कुछ ना कुछ ऐसा साधन होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इसको ठीक किया जा सके। कब तक हम व्यवस्था को इस तरीके से लंबा खींचेंगे? नुकसान किसका है? नुकसान कहीं ना कहीं हमारा ही है, क्योंकि जो इन्होंने बताया कि तीन पीढ़ी से जो समस्या है उसे हम झेल रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी भी समझेगी। अगर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, इनकी बातों को सुना जाए, मैं ये नहीं कहता कि एक तरफ से सभी लोग सही होंगे, कुछ इनकी कमियां होंगी, कुछ आपकी कमियां होंगी, कुछ सरकार की होगी, कुछ प्रशासन की होगी, कुछ जनता की होगी, लेकिन समझौता एक विषय है, समझौते में एक कानून है जो समय पर कर लेना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये व्यवस्था जर्जर रहेगी। और मुझे वास्तव में दुख होता है जब मैं ऐसे गांवों पर आता हूँ। ये कहानी एक गांव की नहीं, हर गांव की है। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा जो भी हमारी आगामी सरकार बनने वाली है कि एक बार इस गाँव में आप आएँ, इस गाँव के हालात जानें, देखें, समझें, क्या नियम कहते हैं, क्या कानून कहते हैं, उन पर विचार किया जाए और इस गाँव के लिए कुछ ना कुछ आप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसे ही अब हम चुनाव के बाद गांव यात्रा पर निकल चुके हैं, जहां पर हम गांव के, शहर के, कस्बों के, नगरों के मुद्दों को आप लोगों के बीच पर लेके आएंगे, ताकि सरकार तो आपने बना दी लेकिन सरकार किस तरह से चलेगी, किस तरह से काम आगे होगा, इस पर आप हमारी बातों को अमल में ला सकें। शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे Facebook पेज के माध्यम से इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो पेज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया। जय श्री कॉलेज जलमोड़ा आपको होटल मैनेजमेंट के साथ ही पैरामेडिकल और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी सफल बनाता है। यहाँ आपके लिए डिजिटल क्लासरूम के साथ ही आपको मिलती है मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस और एक होमली एनवायरनमेंट। तो देर किस बात की, करिए अपने सपनों को साकार। जय श्री कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज।